अगर आप कनाडा में प्लानिंग कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, तो आपने एक वर्ड डेफिनेटली आपने अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा होगा कि दिस प्रोग्राम हैज कोऑप और दिस प्रोग्राम डजंट ऑफर कोऑप। सो आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि ये कोऑप बेसिकली होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। और साथ ही में मेरे जो एक भाई बंधु है जो मेरे साथ ही काम करते हैं, तो वो अभी उनका जो कोर्स था वो कोऑप वाला था, तो उनसे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, जो भी हाल ही में कोऑप उनका स्टार्ट हुआ है थोड़े ही दिनों पहले। ये है हमारे दोस्त करण। सबसे पहले डिस्कशन चालू करने से पहले अगर आप करण एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं, कौन सा कोर्स है आपका और कौन सी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय नेम इज़ करण एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात और आई हैव टेकन द कोर्स मैकेनिकल टेक्नीशियन जनरल मशीनिस्ट इन कॉनेस्टोगा कॉलेज। सो आज यही हमें बताएंगे कोऑप बेसिकली है क्या और सारी डिटेल में अंदर। तो सबसे पहले थैंक यू, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और पहली बार उनका कैमरा के सामने है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए और हम यहाँ पे दूसरी बार जगह पे शूटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो, तो थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। सो सबसे पहले करण आप ये बताइए कि कोऑप बेसिकली है क्या, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी ज़्यादा उतना डिटेल में पता है नहीं, सिर्फ मेरे को इतना पता है कि वो एक टाइप ऑफ इंटर्नशिप रहता है, पर उसके डिटेल में है क्या और कैसे करना रहता है और वो सारी चीज़ें अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं। जैसे कि इंडिया में इंटर्नशिप होती है, आप अपना कोई भी डिग्री कर रहे हो उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वैसे ही इधर कनाडा में प्रोग्राम के साथ कोऑप इंक्लूड होता है या मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल होता है। आप प्रोग्राम ऐसा ले रहे हो कि उसके साथ कोऑप इंक्लूड है या मैंडेटरी है, तो आपको वर्क टर्म है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरी बात करें तो मेरा कोऑप ऑप्शनल था, तो पहले समय मुझे एलिजिबल होना पड़ता है कोऑप में अप्लाई करने के लिए, फिर आपको अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यूज देने होते हैं कंपनी में, फिर आपको सिलेक्शन होता है, फिर आपका जॉब फाइनल होता है। तो बेसिकली यानी दो टाइप के कोऑप है कि एक तो आपको करना ही है और एक आपके ऊपर है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो इनका जो था वो सिलेक्ट करने वाला था, राइट? ऑप्शनल। सो इनका ऐसा होता है कि पहले दो सेमेस्टर का इनका कोर्स जो पढ़ाई थी वो थी, उसके बाद इनका आई गेस रिज्यूम में प्रिपरेशन और वो सब सारी चीज़ों में इनके जो कोऑप टीम जो होती है कॉलेज की वो आपकी हेल्प करती है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस देती है जो कंपनीज वहाँ पे आती है उनके, और वहाँ से ही ज़्यादातर लोग जो कोऑप है वो स्टार्ट करता है। और जो मैंडेटरी होता है ये ऑप्शनल वाला है, अगर ऑप्शनल में आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, राइट? अगर हाँ कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे को नहीं करना जैसे कोऑप, या कोई स्टूडेंट को अगर नहीं मिल रहे कहीं पर जॉब, सो वो कोऑप ना करे तो वो चलता है, राइट? और अगर दूसरी बात ये कि अगर मैंडेटरी है तो उसमें क्या रहेगा? सो मैंडेटरी है तो उसमें आपको फीस प्रोग्राम की फीस में इंक्लूड होती है, और आपको अगर आपका प्रोग्राम एक साल का होता है तो आपको दो सेमेस्टर कॉलेज में पढ़ना होता है और एक सेमेस्टर बाहर काम करना होता है ऑन फील्ड। सो लाइक वी हैव थ्री टर्म इन वन ईयर प्रोग्राम, जैसे कि बात करें मेरा ऑप्शनल कोऑप है और मेरा ढाई साल का प्रोग्राम है, तो मेरे दो सेमेस्टर कॉलेज में पढ़ने होते हैं, फिर दो सेमेस्टर मेरे काम करने होते हैं बाहर ऑन फील्ड में, और फिर से मुझे दो सेमेस्टर के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, वैसे ही मेरा कोर्स पूरा होता है। अगर मैंने ऑप्शनल ले रखा है, अगर मुझे नहीं जाना कोऑप में तो मैं एक्सक्लूड हो सकता हूँ। अगर आपको जाना है तो आपको एलिजिबल होना पड़ता है पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में, तभी आप जा सकते हो। उसके लिए फ़ीस लगती है और वो फीस 1100 से $1500 के बीच होती है, और वो एडजस्ट होके आती है अगले दो या तीन सेमेस्टर में। जैसे कि बात करें तो मेरा तो मैं एलिजिबल हो गया था पहले और दूसरे सेमेस्टर में, तो मैंने अप्लाई कर दिया था और मेरा एक्सेप्ट हो गया था, तो मेरे कोऑप एडवाइज़र ने मुझे मेल किया कि आप अपना रेज्यूमे और कवर लेटर तैयार करें, तो मैंने बना के उनको भेजा, तो उन्होंने एडिट करके और सब कुछ करके मुझे वापस भेजा। फिर आपको अप्लाई करनी होती है जॉब, तो जॉब अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे, या जैसे कि मेरी है कॉनेस्टोगा, तो हमारे यहाँ होती है mycareer.com जो कॉनेस्टोगा की होती है, वहाँ पर कंपनीज होती है, पोजीशन दो या तीन होती है, जैसे कि आपका प्रोग्राम हो वैसे वो पोजीशन भी डालते हैं। तो मेरी कंपनी में तीन पोजीशन थी, लेकिन मैंने ही अकेले ही अप्लाई किया था, तो मैंने एक ही कंपनी में अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू भी हो ही गया था दो दिन में, और जस्ट एक मंथ में उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया कि आप सिलेक्ट हो गए हो।
फिर बाद में मेरा कोऑप टर्म जस्ट 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब है इनकी, काफ़ी अच्छा पे रेट भी, ऑलमोस्ट $20 समथिंग राइट। हाँ, सो एटलीस्ट बेसिक वेज पे काम नहीं करना पड़ता, वो भी काफ़ी बड़ी बात है कि एक साल तक उसी वेज पे काम करोगे और एक साल तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने ही फील्ड के अंदर। और दूसरी चीज़ मेरे को ये पूछनी थी कि आपने जो बताया एलिजिबल क्राइटेरिया, कि आप जो एलिजिबल हो चुके थे, सो वो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि वो प्रोग्राम के डिपेंड्स होता है। अगर आपका एक साल का प्रोग्राम है तो आपको पहले सेमेस्टर में 80% सेशन एवरेज लाना होता है। और कई प्रोग्राम में होता है कि एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो चलेगा, लेकिन कई में होता है कि आपको नहीं चलाना, कि पास तो होना ही है लेकिन 65 अबाउ लाना है। और कई प्रोग्राम होते हैं 80% होते हैं, कई में 85 होते हैं। जैसे बात करें मेरा, तो मेरा 65% था और नो फेल था, मतलब मुझे फेल नहीं होना था एक भी सब्जेक्ट में। और जो आपका प्रोग्राम है उसके मेन सब्जेक्ट है उनको आप पास करने ही है, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप नहीं जा सकते कोऑप में और आपको वापस नॉन कोऑप प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आई गेस कोऑप जो टीम है या कोऑप डिपार्टमेंट है उनको आप मेल कर सकते हो, वो आपको पहले से ही गाइड कर देंगे कि इतना क्राइटेरिया है और इतना आपको करना है। और कॉलेज की यूट्यूब की वेब चैनल है, उसमें भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कोऑप के बारे में कि वो कैसे काम करता है। यानी और यहाँ पे तो सब फ्रेंडली होते, तो अगर आप किसी प्रोफेसर से भी पूछोगे या कोई भी सीनियर या किसी को भी पूछोगे वो आपको गाइड कर देगा। सो ये सारे जो थे वो एडवांटेजेस थे कोऑप के आई गेस, कि इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। और एक मेरे को एक डिसएडवांटेज अगर आप बताना चाहो कि एक कोई डिसएडवांटेज तो वो मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, लेकिन है कि आपका स्टडी टाइम वो लॉन्ग हो जाता है। अगर आप जैसे कि बात करें मेरा 2.5 साल का कोर्स है तो उसमें मुझे 6 सेमेस्टर है लाइफ, तो मुझे 2 सेम पढ़ने हैं, 2 सेम काम करने हैं, फिर 2 सेम फिर कॉलेज जाना है, तो मेरा 2.5 साल का है। अगर आपका कोऑप वाला नहीं है तो आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हो। यानी 2.5 साल का आपका प्रोग्राम है, उसमें 1 साल आपका वर्क जो एक्सपीरियंस है वो इंक्लूड हो गया है, राइट? हाँ, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टूडेंट लाइफ का जो कह सकते हैं टाइम है, या वैसे तो स्टूडेंट लाइफ नहीं, आप काम ही कर रहे हो, आप काम ही कर रहे हो, बट एक कह सकते हैं कि वर्क परमिट जो मेन जो आप वर्क परमिट जो आओगे उस टाइम में थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा बीच में, उसके बाद आप आ सकते हो। और दूसरी एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी एक वो लगी कि शायद तक हो सकता है किसी के लिए डिसएडवांटेज हो, कि जिसके अगर आपने इंडिया से कोई प्रोग्राम लेके आओ जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपने ले लिया कि चलो कोऑप वाला प्रोग्राम है, सब बोल रहे हैं कि इंटर्नशिप अच्छी बात है तो ले लेते, आप यहाँ के आपको आके आपको पता चलता है कि वो मैंडेटरी था, आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा, और बाय चांस आप उस सब्जेक्ट के अंदर या किसी एक दो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते, और अगर उस स्टूडेंट को कोऑप में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कहीं पर, कोई कंपनी हायर नहीं कर रही, सो क्या वो डिग्री ले पाए? अगर आपका ऑप्शनल मैंडेटरी है, ठीक है, तो आपको वर्क टर्म करनी ही करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप पास आउट नहीं होगे कॉलेज से, आपको डिग्री नहीं मिलेगी यहाँ से। यानी जब तक आप वो कोऑप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी यानी मैंडेटरी कोऑप। या सो ये एक थोड़ा सा हो सकता है डिसएडवांटेज हो, अगर आप सोच समझ के नहीं ले रहे हो अपना कोर्स या कॉलेज तो हो सकता है, बाकी ये सारी एडवांटेजेस हैं। मेन बात होती है कि अगर आपका प्रोग्राम ऑप्शनल कोऑप या मैंडेटरी कोऑप भी होता है तो आपको एजेंट को बोलो कि वो स्टडी परमिट के साथ वर्क परमिट भी अप्लाई कर दे साथ में। जैसे कि बात करें तो मेरा ऑप्शनल कोऑप था, फिर भी मेरे एजेंट ने स्टडी प्लस वर्क परमिट अप्लाई की थी, तो मेरे वीज़ा में SW1 लिख के आता है। नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है उनको S1 ही लिख के आता है, लेकिन मेरा SW1 लिख के आता है। और जो आपको स्टडी परमिट इश्यू होती है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मुझे स्टडी परमिट प्लस वर्क परमिट इश्यू हुई थी। यानी आपको जो कोऑप की जो वर्क परमिट थी, हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो, हाँ, वो आपको एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मिल गई। हाँ, जो स्टडी परमिट मिलती है उसके साथ ही मिल गई थी मुझे। ओके, और अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट भूल जाता है या नहीं हो पाता, हाँ, तो क्या वो यहाँ आके वो अप्लाई कर सकता है ऐसा कुछ? हाँ, आपको अगर आपने अप्लाई किया हुआ है कोऑप में तो आपको कोऑप एडवाइजर ही बोलेगी कि आप वर्क परमिट से जल्द अप्लाई कर दो, क्योंकि अभी बहुत डिले चल रहा है अप्लाई करने में और वर्क परमिट आने में। सो अभी आप वर्क परमिट पे, कोऑप के वर्क परमिट पे स्टेटस पे, हाँ, आपका स्टडी परमिट भी वैलिड है, राइट? हाँ, मेरा दोनों वैलिड है। ओके, और कोऑप का जो वर्क परमिट है वो भी एक्सपायर हो जाएगा आई गेस 1 साल के अंदर? नहीं, जो जितना स्टडी परमिट है उतना ही मुझे कोऑप का वर्क परमिट मिला है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कोऑप का वर्क टर्म कैसे कैसे है। ओके, यानी मिडल में है या एंड में है, पहले उनको नहीं पता। जैसे कि मेरा मिडल में है, कई लोगों का होता है कि लास्ट में होता है,
तो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही मैं जो करण भाई का मैं इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप उनको DM कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कम्पेयर टू मी. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सो फिर कभी मिलते हैं ऐसी किसी ब्लॉग के अंदर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.